Hello everyone. In this lecture, we are going to learn about input impedance of short circuit transmission line. Short circuit transmission line का input impedance हम लोग निकालेंगे. तो यहाँ पे देखिए, ये आपका generator हो गया. यहाँ पे load को क्या करेंगे? Short कर देंगे. ये load को short कर दे. ये आपका characteristics impedance हो गया. यहाँ पे आपका short circuit हो गया. Short circuit. तो ZL का value क्या हो जाएगा? Zero. शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपका लोड इंपीडेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो. वही ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए लोड इंपीडेंस का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है. ओपन सर्किट के लिए आपका जो इंपीडेंस होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट के लिए इंपीडेंस जो होगा वो आपका जीरो हो जाएगा. तो चलिए यहाँ पे देखिए, लॉसलेस मीडियम के लिए जेड नॉट इज कॉल्ड इनपुट इंपीडेंस क्या होता है? तो लॉसलेस मीडियम के लिए इनपुट इंपीडेंस क्या होता है? जेड नॉट जेड एल प्लस जे जेड नॉट टेन बीटा एल बाई जेड नॉट प्लस जे जेड एल टेन बीटा एल. यहां पे देखिए, जेड एल इज इक्वल टू क्या है आपका? जेड एल इज इक्वल टू जीरो है. लोड इंपीडेंस जो है उसका वैल्यू क्या है? जीरो है. तो यहां पे जेड एल इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और यहां जीरो हो जाएगा. तो क्या बचेगा आपका? देखिए, जेड नॉट जीरो प्लस जे जेड नॉट टेन बीटा एल बटे जेड नॉट प्लस जे जेड एल इंटू टेन बीटा एल. तो जेड एल का वैल्यू क्या है? जीरो है. तो जीरो इंटू समथिंग जीरो होगा, तो आपको ये जीरो ही आ जाएगा. तो क्या बचेगा? ये आपका जेड नॉट इंटू जे जेड नॉट टेन बीटा एल बटे जेड नॉट. जेड नॉट कट गया तो क्या बचा? जे जेड नॉट टेन बीटा एल. तो इनपुट इंपीडेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन का क्या हो जाएगा? जे जेड नॉट टेन बीटा एल. इनपुट इंपीडेंस जेड इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे जेड नॉट टेन बीटा एल. ये आपका किसके लिए हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए. शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के लिए. तो ये जो आपका फॉर्मूला आ रहा है, ओपन सर्किट के लिए हम लोग इनपुट इंपीडेंस निकाले, शॉर्ट सर्किट के लिए निकाले, तो इस पे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है. न्यूमेरिकल अप्रोच जब आपको क्वेश्चन रहेगा, आपका वैल्यू दे देगा और आपको पूछेगा शॉर्ट सर्किट के लिए इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, ओपन सर्किट के लिए इनपुट इंपीडेंस क्या होगा. तो वहां पे आपको इसको अप्लाई करना है. शॉर्ट सर्किट के लिए आपको ये अप्लाई करना है, ओपन सर्किट के लिए जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं उसको अप्लाई करना है. तो न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.